एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी की कार्यपत्रक 26 करेंगे। दिनांक है इसकी 5 अक्टूबर 2021। और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों अपनी अम्मा से छुपकर उनकी देखभाल करने में जुट जाते हैं और अनेकों योजना बनाते हैं। अब आगे, तो अब हम इस पाठ का आगे का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए पहले गद्यांश पढ़ेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे कुछ नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा बोलती है, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोलता है, और गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। श्यामा बोलती है, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी पर दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा ना था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? तो अम्मा जी पूछते हैं कि किवाड़ किसने खोला। मैंने तो तुम लोगों से मना किया था कि दोपहर को बाहर मत निकलना, तुम क्यों निकल आए? तो अब वो जो दोनों थे, केशव और श्यामा, अब तो वो फंस गए क्योंकि अम्मा जी उनसे पूछने आ गई थी। और आज का गद्यांश इधर तक ही है, आगे की कहानी हम अगले गद्यांश में पढ़ेंगे। और अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग कंपटीशन पे एक स्पीच कंपटीशन होने वाला है और चल रहा है ये कंपटीशन, ठीक है। अब इस कंपटीशन में जितने भी वीडियोस हमारे पास आएंगी, सारी हमारे चैनल पर अपलोड की जाएंगी। माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाले चैनल पर सारी स्पीच की वीडियोस अपलोड होंगी और 10 विनर चुने जाएंगे और सारे विनर्स 10 विनर्स को जो है प्राइज़ भी दिए जाएंगे। अब स्पीच कॉम्पिटिशन में किसके ऊपर स्पीच बोलनी है, क्या क्या प्राइजेस हैं और कहाँ पर वीडियो भेजनी है आपको, उन सब की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हैं और स्पीच कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको स्पीच कॉम्पिटिशन में आप लोग हिस्सा ले सकें और आपको प्राइजेस भी मिल सकें, ठीक है। सो चलिए अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न एक है, केशव ने कार्निस के पास से स्टूल और चौकी क्यों हटा दिए थे? तो इसका उत्तर है, केशव ने सोचा कि हमारे डर से चिड़िया कार्निस पर नहीं बैठती, इसलिए उसने स्टूल और चौकी उठाकर रख दी थी। तो यहाँ पर बैठती हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ चिड़िया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न दो, श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर केशव को क्या कहा? इसका उत्तर है, श्यामा ने केशव से आंखों में आंसू भरकर कहा कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। तीसरा प्रश्न है, गिर पड़ती तो 4 सरना हो जाते। यहाँ 4 सर का अर्थ क्या है? यहाँ 4 सर का अर्थ चोट लगने से है, ठीक है। तो इस तरीके से उत्तर हो जाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद करते हैं प्रश्न चार, केशव और श्यामा को माँ ने कब बाहर निकलने से मना किया था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, रात में, बारिश में, दोपहर में या धूप में। तो दोपहर में उन्होंने निकलने से मना किया था, इसका आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद है आपकी गतिविधि। गतिविधि में क्या पूछा गया है? उस समय अगर आप केशव या श्यामा की जगह होते तो आप क्या वार्तालाप करते अपने छोटे या बड़े भाई बहन से, लिखिए। या अगर आप केशव होते, अगर आप बड़े हैं तो आप केशव होते, छोटे हैं तो श्यामा होते। तो अगर आप छोटे बड़े आप जो भी हैं उस हिसाब से आप बोलिएगा, आंसर में लिखिएगा, तो क्या वार्तालाप करते, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखो गतिविधि का उत्तर करते हैं हम लोग, ये आपकी गतिविधि है, यहाँ पर या हो जाएगा, केशव या श्यामा की जगह होते, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, अगर मैं केशव होता या होती, अगर आप बॉय हैं तो होता, गर्ल हैं तो होती, तो श्यामा को कहता, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बाद में अंडे दिखा दूंगा या फिर दिखा दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप वही लिखिएगा जो आप वार्तालाप करते। और अगर मैं श्यामा होता, अगर आप केशव होते तो केशव वाली लाइन लिखिएगा जो मैंने यहाँ तक लिखवाई है, अगर आप श्यामा होते तो इधर से लिखिएगा, अगर मैं श्यामा होता या होती, अगर मैं श्यामा होता या होती तो कहती,
भैया तुम बहुत बुरे हो, मुझे चिड़िया के अंडे नहीं दिखाते हो। इस तरीके से आप जो है इसका आंसर कर सकते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें, जो भी आप वार्तालाप करते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। सो यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है समाप्त। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।